Welcome friends, I am Pawan Gajbiya। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, संघीय शासन प्रणाली में के जो प्रमुख अंग थे वो थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विषय में इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। अभी जो हम टॉपिक देखेंगे वो है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। ये मंत्रिपरिषद जो होती है इसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्रिपरिषद में सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह ले मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति हेतु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको अभी बताया वो है संविधान का अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में जैसे मैंने अभी बोला कि मंत्रिपरिषद में जिन लोगों की नियुक्ति होती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जो मंत्रिपरिषद होती है संपूर्ण मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये जो मंत्री है राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, एक तो कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो, या अविश्वास प्रस्ताव के हेतु विधेयक लाया जाता है, वह विधेयक पारित हो असफल हो जाता है, उस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद के सदस्य या मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया जाता है। या कभी ऐसा होता है कि एक विधेयक लाया गया मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के लिए, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल ही बर्खास्त कर दिया जाता है। आगे देखते हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति यूपीएससी के चेयरमैन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण आयोग होते हैं जिनके अध्यक्ष, जैसे चुनाव आयोग हो गया, इनके अध्यक्षों और आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। देखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री किन किन आयोगों के प्रमुख होते हैं, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, पहले योजना आयोग हुआ करता था, अभी नीति आयोग है, तो अभी नीति आयोग के प्रमुख, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल प्रबंधन समिति, इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और वे सारे विभाग जो किसी के पास नहीं होते, जिन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने पास स्वयं सुरक्षित रखते हैं, उनके अध्यक्ष के रूप में भी प्रधानमंत्री कार्य करता है। याद रखिए कि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है, नाम मात्र के तो राष्ट्रपति होते, वह जो समस्त कार्य करते वह भारत के राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही या भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही पूरे करते हैं। आगे देखते हैं कि जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, इनको निशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाती है, निशुल्क आवास की सुविधा, और इनके समस्त वेतन भत्ते भारत की सिंचित निधि से ही होते हैं। आगे देखते हैं, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। याद रखिए कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और भी इंपॉर्टेंट बात यह है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कि प्रधानमंत्री को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से है,
कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सबसे लंबा कार्यकाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगभग इन्होंने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद को 16 वर्ष 9 माह और 12 दिन लगभग यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। इन्होंने लगभग 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे। देखिए नेक्स्ट लिखते हैं, सबसे कम उम्र का व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बना हुआ थे राजीव गांधी, वह प्रधानमंत्री जिनकी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी वे थे लाल बहादुर शास्त्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या इंदिरा गांधी। याद रखिए जब प्रथम बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी उस समय वह राज्यसभा की सदस्य हुआ करती थी। इन्होंने अपने दो कार्यकालों में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एक भी बार लोकसभा की बैठकों में हिस्सा नहीं लिया। सबसे छोटा कार्यकाल प्रधानमंत्री में अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। साथियों अगर प्रधानमंत्री से क्वेश्चन बनते हैं तो संविधान का अनुच्छेद 74 याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधान होता है। ऊपर से ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया इनसे क्वेश्चन प्रधानमंत्री से बनते हैं। और कि नीति आयोग का प्रमुख, राष्ट्रीय विकास परिषद जल प्रबंधन आयोग के प्रमुख के रूप में या उसका अध्यक्ष कौन होता है इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका भी आंसर प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, नीति आयोग जो अभी अभी सॉरी जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट आई और उन्होंने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया, इसके भी प्रमुख प्रधानमंत्री ही होते हैं। और राष्ट्रीय विकास, अब राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने का अंतिम कार्य इनका होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग क्या, योजनाओं का निर्माण करता है और अंतिम रूप से अनुमोदन का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। साथियों इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल पर एमपीबीएससी की निशुल्क तैयारी के लिए। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि संसद के जो दो सदन, संसद मुख्य रूप से संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने देख चुका है, हमने मंत्रिपरिषद भी देख चुका, हम कल देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा। एमपीबीएससी की निःशुल्क तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।